जवाब देते जी जवाब जवाब जय हिंद जय हिंद कौन जी बोलता है नया बैच का है तू लोग वो से वजह से हो गया जवाब तो जल्दी नहीं नहीं भाई बी एस एन एल की गलती नहीं है बी एस एन एल की गलती नहीं है जवाब दे दीजिए आपके मोबाइल वा में कभी कभी नहीं हो जाता है कंप्यूटर वाला सनक जाता है ठंडी ऊंडी के दिन आता है सनक जाता है कभी कभी सोच में कंफ्यूज हो जाता है कभी गैलरी अपने से बंद हो जाता है सिस्टम बड़ी अजीब चीज होता है चलिए अब नहर देखते हैं हम लोग इतना आप लोग समझ में आ गया अब हम आपसे एक क्वेश्चन सवाल पूछते हैं आप बताइए फटाक से जीवराल्टर जल संधि किन दो समुद्र को जोड़ेगी जीवराल्टर जल संधि किन दो समुद्र को जोड़ेगी फटाक से बताइए आप जिब्राल्टर जल संधि किन दो समुद्र को जोड़ेगी फटाक से बताएंगे आप भुमद, भुमद और अटलांटिक महासागर नहर देखिए ध्यान से दुनिया में कई नहर है लेकिन तीन चार तो सबसे ज्यादा फेमस है इसमें से एक आ जाता है आपका ना स्वेज नहर कौन सा नहर स्वेज नहर यह दुनिया का सबसे लंबा नहर है और इसे मानव ने बनाया था तो मानव निर्मित में ये सबसे व्यस्त नहर है मानव निर्मित में एक सबसे व्यस्त नहर है इस नहर को लेकर लड़ाई भी हुई थी स्वेज नहर की लड़ाई यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया बड़ा लंबा है ये फ्रांस की कंपनी ने बनाया था बाद में इसको इजिप्ट ने इस पर अधिकार कर लिया तो स्वेज नहर है ये ये मानव निर्मित नहरों में सबसे लंबा और सबसे बीजी नहर है मानव निर्मित नहरों में सबसे लंबा और सबसे बीजी नहर है मानव निर्मित नहरों में सबसे लंबा और सबसे बीजी नहर है स्वेज नहर ये मैन मेड है लेकिन जर्मनी में एक है कील नहर जर्मनी में कौन सा है कील नहर कील नहर किसको किसको जोड़ेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे ना यूरोप का नक्शा तो ये कील नहर किसको किसको जोड़ेगा ये है जर्मनी ये है कील नहर ये बाल्टिक सागर को जोड़ता है किससे उत्तर सागर से ये मैनमेड नहीं है नेचुरल है और ये स्वेज नहर से भी बिजी है स्वेज नहर से भी बिजी है अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाता है कि दुनिया में सबसे बिजी नहर यानी सबसे ज्यादा जा, जहा पानी वाली जहाजें नाव सी बोट किस पे से जाती हैं तो आप बनाएंगे कील नहर पे लेकिन वो स्पेशलाइज करके बोलेगा कि नहीं मैन मेड कैनाल यानी मानव निर्मित नहर में सबसे बिजी कौन है तब स्वेज नहरों का अदरवाइज में सबसे ज्यादा बिजी आपका कौन सा है सबसे ज्यादा बिजी आपका कौन सा है कील नहर सबसे ज्यादा बिजी कील नहर ये जितनी ये दोनों नहर में कॉमन खासियत नदी की तरह खोद दिया गया है नहर बन गया है लेकिन यहाँ पर क्या है पनामा नहर में पनामा नहर में ऐसी विशेषता नहीं पनामा नहर में जो नहर के बीच बीच में फाटक लगे हुए हैं मतलब एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच में क्या लगे हैं है सर फाटक लगे हैं सर पनामा कैनाल में तो उस नहर में विशेषता क्या है पनामा नहर की कि वो पूरा खुला नहीं है बीच बीच में क्या है लॉक सिस्टम में फाटक लगा हुआ है पनामा नहर में क्या लगा हुआ है लॉक सिस्टम लगा हुआ है उसमें फाटक लगे हैं सब दरवाजे उसमें न, जब जहाजें जाती हैं सब तो पनामा नहर में और जहाज जब चली जाएगी तो फाटक खोल दिया जाएगा देखिए तो ये एक बार एल में क्वेश्चन पूछा था कि इन चारों नहर में से कील नहर दिया था पनामा नहर दिया था कहता था कौन सा नहर बाकियों से अलग है तो पनामा नहर जो है ना भैया वो बाकी नहरों से अलग है देखिए यही है आपका पनामा नहर आप इसमें दरवाजा आराम से देख सकते हैं यहाँ आपको नजर आएगा एक पानी वाली जहाज़ है दिख रहा है ये पानी वाली जहाज है पानी वाली जहाज भैया जब अगर इसमें से किसी जहाज़ को जाना है ना तो इस दरवाजे को खोल दिया जाता है जहाज़ इसमें चली जाती है फिर इस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है फिर इस दरवाजे को खोला जाता है तो ये लॉक सिस्टम पे बनाया गया है क्यों क्योंकि जब पानी को आप लॉक कर देते हैं ना तो उसका घन तो बढ़ जाता है और पानी का तल उठ जाता है जिस वजह से आपको यहाँ देखिए ये वाला पानी का लेवल थोड़ा नीचे दिखेगा ये उससे ऊपर दिखेगा ये उससे ऊपर दिखेगा हालांकि हैं सब एक लेवल पर लेकिन बंद नहीं करेंगे ना खुला छोड़ देंगे तो खुला पानी अपना लेवल खुद से बराबर कर लेता है खुला पानी अपना लेवल खुद से बराबर कर लेता है तो ये बाकी नहरों से क्या है सब अलग हैं सब किस मैटर पर लेकर लॉक सिस्टम को लेकर इस सिस्टम को लेके भैया लॉक सिस्टम को अभी सबसे नया नहर कौन सा बन रहा है थाईलैंड में आप बताइए थाईलैंड में जो नया नहर बनाया जा रहा है वो आप बताएंगे थाईलैंड में जो नया नहर बनाया जा रहा है आप बताइए उसको हम नहीं बताएंगे करा नहर वेरी गुड कौन सा नहर है भैया करानहर तो थाईलैंड में जो बन रहा है करानहर किसे किसे जोड़ेगा यह थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ता है यही ना करानहर देखिए ये क्रा नहर किसे किसे जोड़ेगा आप बताइए थाईलैंड की खाड़ी इस साइड में अंडमान सागर इस साइड में है तो ये नहर का नाम है करा नहर अभी ये लगभग लगभग बन के तैयार होने वाला था जबकि थाईलैंड के किसी इकोलॉजिक ने पर्यावरण ने कहा कि भैया ये सिस्टम सही नहीं है तो थाईलैंड सरकार ने कह दिया कि भैया ये तभी बनेगा जब इस पर कोई पर्यावरण से लॉस नहीं होगा तब तो ये हो गया भैया करा नहर कौन सा नहर है करा नहर ये क्रा नहर है करा नहर सबसे आधुनिक है सबसे लंबा कौन सा है स्वेज नहर मानव निर्मित स्वेज नहर सबसे व्यस्त कील नहर मानव निर्मित में सबसे व्यस्त स्वेज नहर इन चारों में सबसे अलग सिस्टम तो पनामा नहर लॉक सिस्टम है पनामा नहर में क्या आंसर सिस्टम है लॉक सिस्टम है किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर स्वेज नहर के उत्तर में अर्थात भूमध्य सागर की ओर कौन सा बंदरगाह है ये क्वेश्चन पूछा है आप बताएंगे कौन सा बंदरगाह है आप बताएंगे हम नहीं बताएंगे स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है ये आप बताइए इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे क्योंकि जब मिस्र पढ़ा रहे थे तो आपको ये बातें हम बता दिए थे पोर्ट सईद वेरी गुड आप में से कितने लोग बता सकते हैं पनामा का प्रतिद्वंदी नहर कौन सा देश बना रहा है पनामा का प्रतिद्वंदी नहर कौन सा देश बना रहा है पनामा का प्रतिद्वंदी नहर कौन सा देश बना रहा है निकारगुआ वेरी गुड देखिए बाबू मेरी ओर देखिए जब ये स्वेज नहर नहीं था तो भारत से यूरोप जाने के लिए इस रास्ते से जाना पड़ता था तब आप यूरोप आते थे आप याद कीजिए वास्कोडिगा मै ऐसे आता था सात हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करनी होती थी कितनी दूरी सात हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा यानी स्वेज नहर के बन जाने से अब हमारे पास अल्टरनेट रास्ता है और हम ये यूरोप वाले लोग यानी यहाँ से आप आराम से इंडिया पहुँच सकते हैं तो कितनी दूरी बच गई भैया सात हज़ार किलोमीटर की दूरी बच गई सात हज़ार किलोमीटर की दूरी अब स्वेज नहर वाला तो जान रहा है कि भैया जो जहाज इधर से जाएगी या जो आदमी इधर से जाएगा उस ससुरा उसको तो करोड़ों का फायदा हो रहा है करोड़ों का फायदा क्योंकि सात हजार किलोमीटर दूरी बच गई तो दबा के पैसा लेता है कहता ला पैसा ला तबे जाने देंगे इतना पैसा लेता है कि इसकी इकोनॉमी इसी पे चलती है स्वेज नहर में वही काम किया कौन यहाँ पर आपका पनामा नहर जब पनामा नहर नहीं था तो अमेरिका से इधर जाने के लिए पूरा ये चक्कर लगा के जाइए तब आपको यहाँ जाना पड़ेगा ये पाँच हज़ार किलोमीटर दूरी पड़ती थी इसको कम करने के लिए बनाया गया कौन सा नहर पनामा नहर क्योंकि जब पनामा नहर बन गया तो इसी जगह से आपको यहाँ जाने के लिए हचाक से चले जाइए ये पनामा नहर तो पैसों लेते हैं सर खूब बढ़िया से भाई पैसा लेंगे सब क्यों नहीं मेंटेनेंस कितना खर्च आता है पनामा नहर का समझ में आता है बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का खर्च आता है पनामा नहर का तो ये दो नहरों के वजह से दूरियां काफी घट जाती हैं ये दो अक्षर याद रखिएगा इसने सात हजार किलोमीटर दूरी बचा दी इसने पांच हजार किलोमीटर दूरी बचा दी लेकिन इन लोगों ने जितने स्थल संधि थे जो जमीन के संधि थे उन्हीं को काट के क्या बना दिया नहर बना दिया अब ये भैया कौन सा है कील नहर है जर्मनी में है कील नहर कहाँ है जर्मनी में है अब आप देश बताइए करा नहर कहाँ है तो थाईलैंड बोलेंगे स्वेज नहर कहा किस देश में है तो आप मिस्र बोलेंगे इजिप्ट करा नहर बो... कील नहर बोलेगा तो जर्मनी बोलेंगे पनामा नहर कहेगा तो पनामा में बोलेंगे लॉक सिस्टम किस में है पनामा में पनामा ने कितनी दूरी घटा दी पांच हजार किलोमीटर स्वेज नहर ने घटा दिया सात हजार किलोमीटर स्वेज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद दक्षिण में पोर्ट स्वेज इसको लेके मारो हुआ था मिस्र और इजराइल के बीच में नहर से किसी को कोई दिक्कत है किसी को नहर से कोई दिक्कत है नहर से क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं वेरी गुड अच्छी बात है चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं हम लोग जल संधि जलधारा इस सब के बारे में देख लेते हैं क्या होती है भैया जल संधि और क्या होता है जलधारा जल संधि जलधारा में क्या अंतर होता है एक को कहते हैं जलधारा करंट होता है एक को जलधारा क्या होता है करंट होता है सबसे पहला होता है एक ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट इसे कहते हैं प्रवाह इसके बाद होता है करंट। इसे कहते हैं धारा इसके बाद होता है आपका स्ट्रीम स्ट्रीम इसे कहते हैं महाधारा महाधारा देखिए भैया कुछ भी नहीं होती है धारा समुद्र के पानी जब आगे बढ़ता है समुद्र का जल जब आगे बढ़ता है तो इसी को क्या कहते हैं धारा कहते है. समुद्री हैं कहते है. समुद्री जल के आगे बढ़ने को हम क्या कहते हैं धारा कहते हैं समुद्री जल के आगे बढ़ने को हम क्या कहते हैं धारा कहते हैं जब स्पीड बहुत कम रहती है तो उसे प्रवाह कहते हैं थोड़ी स्पीड बढ़ेगी तो धारा कहेंगे और बढ़ जाएगी तो महाधारा कहेंगे जैसे ये मैट्रिक हो गया इंटर हो गया ये ग्रेजुएशन हो गया कोई अंतर नहीं है प्रवाह बहुत धीमी गति से चलती है धारा थोड़ी तेज गति से चलती है और महाधारा यानी स्ट्रीम बहुत ही तेज गति से चलती है जैसे आप ये सुने होंगे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह आप सुने होंगे किनारी की धारा आप सुने होंगे गल्फ स्ट्रीम ऐसे सुने हैं आप लोग तो ये जो धाराएं होती हैं ये स्पीड के हिसाब से चलती हैं किसी का स्पीड ज़्यादा किसी का स्पीड कम तो स्पीड के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया जाता है सबसे कम स्पीड किसकी होती है प्रवाह की ये बहुत कम देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है स्ट्रीम की ये भी कम देखने को मिलती है ये एवरेज होती है तो ये ज़्यादा देखने को मिलती है अब ये धाराएँ चलती क्यों हैं ये धाराएँ चलती क्यों हैं पहला रीज़न पृथ्वी का घूर्णन क्योंकि पृथ्वी घूम रही है इसलिए पानी भी घूम रहा है दूसरा एक झटका लगता है पृथ्वी के घूमने से जिसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स तीसरा कारण है हवाएं हवा आधी चलेगी तो पनियों को लेकर बहने लगता है देखते होंगे हवाएं उसके बाद क्या है गुरुत्वाकर्षण ये सारा कारण है इसके अलावा एक और कारण घनत्व में अंतर जिधर पानी जहाँ का पानी ज्यादा घना रहेगा वो कम घना पानी की ओर ढकेल देगा इसके अलावा बनावट में भी अलग है अगर रास्ते में पहाड़ आ जाएगी तो जलधाराएं उधर नहीं जाएंगी पहाड़ नहीं रहेगी तो जाएंगी तो कई कारण होते हैं सब इनके आने जाने के लिए ड्रिफ्ट करेंट ये सब में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे बढ़े सर पनामा नहर भी तो मानव निर्मित है बिल्कुल भाई क्रान कील नहर को छोड़ के सब मानव निर्मित नहर है कील नहर को छोड़ के सब के सब मानव निर्मित है चाहे वो पनामा हो चाहे स्वेज हो चाहे क्राह हो सब मैन मेड है कील वाला ओरिजिनल है, है मतलब नेचुरल है अब मेरी ओर ध्यान से देखिए जलधाराएं दो तरह से होती हैं एक होती है गर्म इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें कोई जब समुद्र का जल बहुत धीमी गति से चलता है तो उसे ड्रिफ्ट या प्रवाह कहते हैं जब थोड़ी तेज गति से चलने लगता है तो उसे धारा या करंट कहते हैं बहुत तेज गति से चलने लगता है तो उसे क्या कहते हैं स्ट्रीम या महाधारा के नाम से जानते हैं लोग जलधाराएँ दो तरह से होती है एक गर्म जलधारा एक ठंडी जलधारा एक गर्म जलधारा एक ठंडी जलधारा हम आपसे पूछते हैं जरा बताइए तो एक जलधारा आ रही है गर्म होगी कि ठंडी होगी तो भैया ध्रुवों से आ रही है तो ठंडी होगी तो जिस धारा की उत्पत्ति दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव के पास से होती है वो ठंडी होती है और जिन धारा की उत्पत्ति विश्वत रेखा के पास से हो जाती है विश्वत रेखा के पास से हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं गर्म जलधारा तो विश्वत रेखा से उत्पन्न होने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं और ध्रुव सॉरी विश्वत रेखा से होने वाली जलधाराएं गर्म और ध्रुवों के पास से उत्पन्न होने वाली जलधाराएं ठंडी होती है। इतना तो कंसेप्ट पता चल गया अब हम आप ही से पूछते हैं फॉकलैंड जलधारा कहाँ बहती है ठंडी होगी कि गर्म होगी तो कोई याद करने की जरूरत नहीं आप याद कीजिए अर्जेंटीना के पास एक द्वीप था जिसका नाम था फॉकलैंड द्वीप कौन सा द्वीप फॉकलैंड द्वीप तो फोकलैंड के पास उत्पन्न हुई होगी इसलिए इसका नाम है फॉकलैंड की धारा किस महासागर में तो दक्षिणी अटलांटिक में बहती है अटलांटिक याद रखिए उसका निचला भाग इसलिए दक्षिणी अटलांटिक कहेंगे गर्म होगा कि ठंडा आप बताइए ना फॉकलैंड की धारा गर्म होगी कि ठंडी होगी आप ही बताइए हम क्या लिए बताएंगे कोल्ड होगी वेरी गुड इसमें दिमाग क्या लगाना है यार अब मेरी और ध्यान से देखिए ये यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा जगह किसे माना जाता है तो जहाँ गर्म हवा जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं उसे हम वो जगह जो होता है वो मछली पालन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है उसे मत्स्य उद्योग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्यों क्योंकि यह एरिया न ठंडा रह जाता है ना गर्म रह जाता है इसलिए मछलियाँ यहाँ आके खूब अच्छा कबड्डी खेलती हैं यहाँ ससुरी ठंड में परेशान रहती हैं और गर्मी परेशान रहती है सब तो ये बहुत अच्छा जगह हो जाता है और यहां टेम्परेचर इतना बेहतरीन हो जाता है कि यहां एक घास एक सैवाल उत्पन्न हो जाता है एलगी जिसे कहते हैं प्लैंकटन प्लकटन प्लेंकटन नामक सवाल हो जाता है जो मछलियों को बहुत अच्छा लगता है खाने में लेकिन ये ज़्यादा गर्म पानी में भी नहीं होगा और ठंडा में भी नहीं होगा इसलिए यहाँ क्या छा जाता है प्लेंगटन छा जाता है मछलियाँ उसे खाने आ जाती हैं और आदमी जैसा खच्चर तो दुनिया में कोई है नहीं वो आके मछलियाँ पकड़ ले जाता है एगो पानी वाली जहाज़ लाएगा इस तरह से एगो दूसरी जहाज़ लाएगा इस तरह से बस इसके बीच में क्या लगा दिया जाली अब यहाँ खूब मछली है सब कोई दिक्कत नहीं ये इधर से गया ये इधर से गया सारी मछली टंगा गई सब सारी मछली टंगा गई सब तो ये सब सो मछली पकड़ लेता है सब यहाँ देखिये जब मछली पकड़ के लाया है बहुत बड़की बड़की तरह जाल होती है मछली पकड़ने वाला हम आपको कैसे दिखा देखिए देखिए यहां पकड़ के लाया है मछली इसको देख रहा है मछली पकड़ के लाया और यहाँ चील का हुए उड़ रहे होंगे सब ई ससुरा नोच नोच खाने लगता है सर इसको अरे मछलिया हमको भी दे हमको भी दिए मार के ले आया आराम से टांग लिया इसे मछली उठा के अभी तो बड़ी तो छोट मोट एकदम मतलब बहुत बच्चा वाला है बड़ा बड़ा पकड़ लेता है सर तो जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं वो अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ मछली पकड़ने के साधन होते हैं और इसकी एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहाँ कोहरा छा जाता है जिस वजह से नाव चलाने में बहुत दिक्कत आता है एक्सीडेंट भी हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है और टाइटेनिक इसीलिए लड़ गई थी क्योंकि उसको कोहरा में कुछ दिख नहीं रहा था वहां थर, और वहाँ गर्म और ठंडी जोनों दलधराएँ आकर मिल रही थी तो वो ठंडी वाले को भी पार कर रहा था जिस वजह से बर्फ़ से टकरा गया क्योंकि आगे कोहरा छा गया था घना कोहरा छा गया किसी को कोई दिक्कत है आगे बढ़े तो जलधाराओं की उत्पत्ति क्यों होती है इससे लाभ क्या होता है हानि क्या होती है आप इसे याद रख सकते हैं मेटेरियल में भरवा दीजिए आप मेटेरियल खोलिए उसमें भरिए मेटेरियल खोलिए उसमें भरिए लिखा हुआ है प्रवाह तो लिखिए इसकी गति सबसे कम होती है उसके नीचे लिखा हुआ है धारा लिखिए इसकी गति औसत होती है बीच में उसके नीचे क्या लिखा है विशाल विशाल धारा या स्ट्रीम लिखिए यह दो धाराओं से मिलकर बनता है इसकी गति सबसे तेज होती है कुछ भरना ही नहीं है उसमें क्या है भैया बस स्पीड बढ़ाते जाइए वहां पे हो गया उसके नीचे तो लिखा ही है मत्स्य उद्योग मत्स्य उद्योग लिखा है कि नहीं लिखा आप स्ट्रीम में लिखिए पहले बस स्ट्रीम में लिखिएगा यह दो धाराओं से मिलकर बनती है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है या दो धाराओं से मिलकर बनती इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है अब इसके आगे अब भरवाते चलेंगे अब कल पढ़ाएंगे अब आप लोग का क्लास कभी का डिस्टर्ब नहीं होगा सॉरी फॉर योर कन्वीन कन्वीनियंस बाबू एक्चुअली क्या था कि रेलवे के एग्ज़ाम्स थे कोर्स ख़त्म नहीं होता तो लड़का चिल्ला चिल्ला के बर्बाद कर देता इसलिए कोर्स ख़त्म करना ज़रूरी था जिन लड़कों ने नक्शा में क्लास किया उनको रेलवे में बहुत हेल्प किया और बीपीएससी में तो पूछिए मत हेल्प बहुत किया समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब हम लोग फर्स्ट जनवरी को मतलब फर्स्ट जनवरी को क्लास रखेगा कि नहीं आदमी नहीं दिक्कत उससे वो आप डिसाइड कीजिएगा फर्स्ट जनवरी को आप लोग को क्लास रखेंगे कुछ आपको बताएंगे कि भैया आगे कैसे कैसे क्या कर सकते हैं हम चाहते हैं आप सब लोग ए ग्रेड की जॉब में जाइए पी के लिए और हम आपको तरीका बताएंगे ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जय हिंद अब कोई दिक्कत नहीं है यार छुट्टी नहीं था वो मेनली था रेलवे के क्लास को लेके यार छः छः घंटा क्लास चलता था रेलवे का